नगर परिषद घुमार में जिस स्थान पर कूड़े को अलग करती थी उसके पास ही मुक्ति धाम शमशान घाट भी है। इस कोरोना काल में अंतिम संस्कार के लिए मुक्ति धाम में लोगों की आवाजाही ज्यादा होने के चलते नगर परिषद ने घर घर से कूड़ा लेना पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब नगर परिषद द्वारा दोबारा से घर घर से कूड़ा लेने का काम शुरू हो गया है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में मुक्तिधाम की तरफ लोगों की आवाजाही ज्यादा होने के चलते नगर परिषद ने घर घर से कूड़ा लेना बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का कूड़ा सेग्रीगेट करने का यूनिट भी मुक्तिधाम के पास है, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब काम को दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब कूड़ा सेग्रीगेट करके बद्दी भेजा जा रहा है। जो कूड़े की व्यवस्था के बारे में था, कूड़ा की व्यवस्था में ऐसा हुआ कि हमने जो कूड़ा पुराना कूड़ा था उसको हमने कम से कम 6 गाड़ियां बद्दी है, बद्दी हमारा एक वहाँ एक प्रोजेक्ट है उसमें भेजते हैं। अब लगभग 2-3 गाड़ियां और बची हैं और बाहर वाला कूड़ा फिर साफ कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो गीला कूड़ा हमारा पिगरी में जाता है और सूखा कूड़ा हमारा नीचे जो हमने छोटा छोटा कूड़ा सेंतल लगाया उसमें अलग अलग सेग्रीगेट होता है, और जिस यूनिट को जरूरत होती है उस कूड़े के हिसाब से ग्रेडिंग करके उन फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। और मैं शहर वासियों से भी बार बार अपील करता हूँ कि आप कूड़ा सेग्रीगेट होकर हमें दें और हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। धन्यवाद। कुछ दिन के लिए हम जहाँ नीचे मुक्ति धाम है वहाँ कूड़ा सेग्रीगेट होता था और वहाँ पे ज़्यादा डेड बॉडीज आने की वजह से, क्योंकि पूरे घुमारवीं मंडल का जो मुक्ति धाम है घुमारवीं बना दिया गया है, चाहे किसी भी पंचायत में डेथ होगी तो घुमारवीं इसकी इसमें क्रिमिनेशन होती है। उसके लिए हमने कुछ दिन के लिए जहाँ मुक्ति धाम है उसके साथ ही सेग्रीगेट होता था, हमने कुछ दिन के लिए सूखा कूड़ा बंद कर दिया था, मगर हमने दोबारा जारी कर दिया क्योंकि हमने नीचे जो कूड़ा सेंटर छोटा कूड़ा सेंटर लगाया है वो दोबारा हमने चालू कर दिया है। हमने लोगों से पहले भी अपील की थी कि हमारा सहयोग करें, आगे भी सहयोग करते रहेंगे और हम जल्दी इस कूड़े को प्रावधान करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन से नगर परिषद के कर्मचारी सूखा कूड़ा नहीं ले रहे थे, लेकिन अब नगर परिषद ने सूखा कूड़ा लेना भी शुरू कर दिया है। नगर परिषद कूड़े के बारे में कुछ नहीं आया, कुछ दिन तक सूखा कूड़ा इन्होंने नहीं उठाया, तो नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा जी का ज्ञान आया था कि कोई प्रॉब्लम आई हुई है इन्हीं तकनीकी कारणों के कारण, हम तो अब रूटीन में उठा रहे हैं, सब ठीक है, तो बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है तो इसलिए सहयोग तो करना पड़ता है।